हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पोहा बनाने के लिए आपको दो हरी मिर्ची, दो छोटे आलू, दो छोटी प्याज, एक छोटी चम्मच राई, कड़ी पत्ता, बारीक कटा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, फल्ली दाना हाफ बाउल, हल्दी थोड़ी सी। पोहे को मैंने वॉश कर लिया है और उसे भिगा कर रखा है। आप किसी भी मेजरमेंट से ले सकते हैं। मैंने इस बाउल से डेढ़ बाउल लिया है। मैं तेल दो करछी ले रही हूँ। अगर आपकी बड़ी करछी है तो आप एक ही करछी लीजिए। तेल गर्म होने के बाद में आपको उसमें राई डालना है और आधे मिनट बाद आपको उसमें प्याज और हरी मिर्ची डालना है। फ्लेम आपको मीडियम रखना है। प्याज को मैंने लंबे आकार में काटा है और इससे इसका जो लुक है बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी इसका बढ़ जाता है। अब आपको इसमें कड़ी पत्ता डालना है। मैंने यहाँ 8 से 9 पत्ती कड़ी पत्ता के लिए हैं। कड़ी पत्ता से इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फली दाना डालकर आपको उसे आधा मिनट सेकना है। अगर आपके पास मटर हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फली दाना डालने के बाद में आपको इसमें आलू डालना है। आलू को मैंने पतला पतला काटकर पानी में डालकर रखा था ताकि वो काले नहीं पड़े। इसे स्टीर कर आपको इसे 5 मिनट्स के लिए ढककर रखना है और इसे आपको लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। आलू अच्छे से पक जाने के बाद में आपको इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालना है और इसे स्टिर करना है। फिर आपको इसमें हल्दी पाउडर डालना है। सॉल्ट आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है और अच्छे से सभी मसालों को सेकना है और फिर आपको इसमें पोहा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। पोहे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में आपको इसे 2 से 3 मिनट इसे ढककर रखना है। दो से तीन मिनट बाद में इसमें शुगर डाल रही हूँ। मैं इसमें 1/2 टीस्पून शुगर ले रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है और इसे आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसे आपको फिर से 1 मिनट ढककर रखना है। पोहा बनकर रेडी हो गया है। अब आपको इसमें धनिया पत्ती डालना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।